तो गाइस आज के इस वीडियो में ऐसा तो क्या हो जाता कि यहाँ पे इस SMP के सारे मेंबर्स मेरे यहाँ पे एनिमी बन जाते। तो आपको जानने के लिए इस वीडियो को यहाँ पे पूरा एंड तक वॉच करना होगा। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो की ओर यहाँ पे चलते हैं। तो गाइस मैं हो चुका था यहाँ पे फाइनली पूजा SMP के सीज़न 2 के लिए सिलेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पूजा SMP और स्टार्टिंग में हम कैसे ग्राइंड करते हैं आप उसका यहाँ पे पूरा यहाँ पे टाइम लैप्स इंजॉय करो। तो गाइस आपने अभी तक देखा कि भाई मैं कैसे स्टार्टिंग प्लेयर्स एक फुल्ली स्टैक प्लेयर SMP में यहाँ पे बन जाता हूँ फुल्ली नेदरराइट आर्मर वगैरह के साथ। तो गाइस अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई क्यों पूरी की पूरी SMP मेरी यहाँ पे एनिमी बन जाती है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को वापस कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस एक दिन मैं अपने बेस की ओर जा रहा था तभी मैं मेरा यहाँ पे रिप्ले मोड को चेक करता हूँ और मुझे यहाँ पे एक GY कार्तिक नाम का एक बंदे का यहाँ पे बेस मिल जाता है। तो अब आप देखो अब मैं उसके साथ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो भाई अब जैसे मैं उसके यहाँ पे बेस पे जा रहा था फटाफट से, लेकिन भाई लकीली वो बंदा यहाँ पे ऑनलाइन था और वो अपने बेस पे यहाँ पे XP ग्राइंड कर रहा था। तो फिर अब भाई उसको यहाँ पे मारना तो बनता था और इसी के साथ भाई हमने हमारे SMP का फर्स्ट हट यहाँ पे एक प्लेयर को मार के ले लिया। अब भाई मैं उसका सामान बस एक चेस्ट से दूसरे चेस्ट में ट्रांसफर कर रहा था, मतलब उससे भाई मुझे बहुत अच्छी खासी लूट मिल गई। तो अब आप वो देख सकते हो मतलब कि भाई उससे मुझे अच्छे अच्छे एन्चेंटमेंट्स वाले टूल्स एंड आर्मर्स मिल गए। तो अब आप वो यहाँ पे देख लो। तो गाइस उस बंदे का यहाँ पे पूरा का पूरा बेस लूटने के बाद और उस बंदे को यहाँ पे मारने के बाद मैं मेरे बेस के यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। बट भाई जो मेरा दोस्त था 3x9 गेमिंग जो कि मेरा टीम मेंबर था, वो मुझे बोलता है कि अपन दोनों एक यहाँ पे फेयर PvP करेंगे और जो भी जीतेगा उसका हार्ट जो जीतेगा उसको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई मैं और वो PvP करते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो गाइस फाइनली ये वाली पीवीपी भी मैं यहाँ पे विन कर जाता हूँ, और इसी के साथ मुझे यहाँ पे 3x का एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ट मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में भाई मैंने पूरा यहाँ पे नेदरराइट आर्मर से ग्राइंड करना शुरू किया और यहाँ पे फाइनली 12 हार्ट्स को रीच कर गया। फर्स्ट डे के अंदर ही गाइस मैं बन चुका था ये पूजा ओएसएमपी का सबसे ज़्यादा डेडलीएस्ट प्लेयर। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, कैसे लगे आपको ये वाली वीडियो ज़रूर से कमेंट में बता देना। और ये था बस फर्स्ट पार्ट ओनली पूजा एसएमपी के लिए, तो रेडी रहना फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग पार्ट्स ऑफ पूजा एसएमपी।